د خزه چې دی کنه د ډیر نه خزه دی جنتی خاتون نه کورته اس کباب مې کبي نه ټال سکتا جنتی اومه تو ته جنمی جنتی کا بچا پر تمہار داماد ہم کو بہت اچھی لگی ہے جلال خانا ہم کو بھی اچھے لگتے دا جی اچھا ادھر آؤ سلامی ولامی نہیں لے گا ہم سے ادھر آؤ یار دا جی داماد ہوتا نہیں ہوتی ہے हम अपने गड्ढे बांध ले फिर आप अपने गड्ढे खोलना ठीक हो गया मेरी बहू का मसला तो हल हो जाए अम्मा इसे खोले ना मतलब हाँ चल खोल लो पापा क्या खोलो क्या है क्या है इसमें क्या है हाय मैं मर जाऊं क्या है बीबे है पढ़ के तो शर्म आती है क्या है डीजे I love my wife I can't live without you अम्मा इसे कहें कि ये अगर अपना करियर अपना बचपन का ख्वाब मेरे लिए छोड़ सकती है तो क्या मैं नया पासपोर्ट और वीजा नहीं ले सकता मैंने क्यों कहना है तूने मेजबान की जीत खाई थी और तुम दोनों जो ना कान खोल के मेरी बात सुन लो क्योंकि मैं लड़े ना तो सीधा जेल में जाओगे हम नहीं आएंगे दो दो लाख रुपए के टिकट खर्च करके तुम्हारी जमानत कराने के चलो पाओ भंगड़ा चलो मैं थोड़ी देर में तुम लोगों से मिलते हैं ठीक है यहीं रहना कहीं जाना मत ठीक है मैं आ रही हूँ वैसे खूब साथ दिया आपने जिया भाभी को क्या मतलब मैं भी बहुत अच्छा साथ निभा था मेरा मतलब बेशक आप अरसल से पूछ रहे हैं तो मैं क्या करूं मेरे ख्याल में हम दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए अगर आप इस बात पर थोड़ा गौर करें सोच लूंगी सर कमो बच क्यों ना बचो क्यों ना डाल सा क्यों ना डाल हमको जिंदगी में एक बात का एहसास हुआ है वो क्या दाजी का सर का कसम तुम एक जन्नती औरत है जन्नती खैर तो है जलाल कुछ और तो नहीं हो गया कोई ऐसा बात नहीं है तुम सामान
काली पिखा भर जाएगा और तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से रहेगा, जैसा हमारा दामाद हमारा बेटी के साथ रहता। शुक्र है आपको एहसास तो हुआ, अभी अब्बा जी जिंदा होते ना तो कितना खुश होते। हाउ कैन आई, हाउ कैन आई, देर खस्ता कारी दे खस्ता सर डेर डेर मीना को, इसका मतलब पता है तुम्हें, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छोड़े ना जरा, तुम्हारे लिए गाना लेकर आए।